सी उत्तर प्रदेश या डी बंगाल। और आपको जवाब पता ना हो तो मैं आपको बताता हूं, कंप्यूटर साहब से कहिएगा कि जवाब ए सॉरी जवाब डी बंगाल लॉक कर दिया जाए, और फिर आप अपने अंदाज में कहिएगा सही जवाब। सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसाएं हत्याएं बंगाल में हुई है, एनसीआरबी का डेटा कहता है। इसके बाद जाकर झारखंड का नाम आता है और फिर आंध्र प्रदेश का नाम आता है। तो बच्चन साहब, आप जिस प्रदेश में बैठकर बोलने की आजादी पर बात कर रहे थे वहां राजनीतिक हत्याएं हो जाती हैं बोलने पर। कंप्यूटर साहब लॉक किया जाए। बंगाल में जब से ममता बनर्जी को बीजेपी से बड़ी चुनौती मिल रही है तब से बंगाल में राजनीतिक हिंसा बड़े पैमाने पर हो रही है और यह पिछले कई सालों से चल रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में हिंसा की 693 घटनाएं हुई और 11 मौत। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में 47 राजनीतिक हत्याएं। 2021 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई जिसमें मर्डर के अलावा रेप के मामले भी थे। हिंसा के मामलों की जांच कोलकाता हाईकोर्ट के ऑर्डर पर एनएचआरसी ने की थी और इसमें हिंसा के लिए छूट देने का आरोपी सरकार को माना गया था और इस मामले में सीबीआई जांच भी चल रही। पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव भी होने और वहां से राजनीतिक हिंसा की खबरें फिर से आने लगी। 2018 में पिछले पंचायत चुनाव में भी पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। हालत यह थी कि 34% सीटें ममता बनर्जी की पार्टी ने निर्विरोध जीत ली। बच्चन साहब, आप जिस बंगाल में बैठे थे उसके लिए अदालत ने कहा था कि वहां जो राजनीतिक हिंसा हुई उसको देखकर लगता है कि रूल ऑफ लॉ नहीं लॉ ऑफ रूलर चल रहा है। और बच्चन साहब, आपने कभी नहीं कहा कि बोलने की आजादी कहां। अमिताभ बच्चन के जिस बयान पर ममता बनर्जी के मन में लड्डू फूट रहे होंगे शायद, और अमिताभ के कंधे पर बंदूक रखकर जिस अभिव्यक्ति की आजादी का प्रश्न अब देश भर में खड़ा किया जाएगा, वो खुद अपने खिलाफ ममता बनर्जी राह चलते जय श्री राम का नारा नहीं सुन सकती। आपको याद होगा कि किस तरह से जय श्री राम के नारे पर ममता बनर्जी को गुस्सा आ जाता था। याद नहीं तो मैं तस्वीर दिखाता हूं, जरा देखिए। मई 2019 की ये तस्वीरें हैं जब ममता दीदी का काफिला उत्तर 24 परगना जिले के भाटपाड़ा से गुजर रहा था। तब कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे जिससे ममता बनर्जी नाराज हो गई थी। जरा सुनाइए एक बार विजुअल।